हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक आज से 10 मुहर्रम उल हराम की रात तक होगा और 8 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विस भी बंद रखी जाएगी। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान के तहत जो है वो कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है और डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक आज से 10 मुहर्रम उल हराम की रात तक होगा। आपको आगाह करेंगे, 10 मुहर्रम हराम की रात तक जो है इस पाबंदी का इतलाक होना है और 8 मुहर्रम के मरकजी जुलूस जो है वो आज दोपहर को निकलेगा। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद रहेगी। सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया, 8, 9 और 10 को मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। तीनों दिन के लिए ये फैसला किया है कराची के लिए, 3 दिन जो है कराची में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इसके साथ साथ जो है जिना रोड जो है उसको भी बंद किया गया है। इसके साथ साथ जुलूस के रूट बनाने वाली दुकानें भी सील कर दी गई हैं और 8 मुहर्रम को जो आज जुलूस निकलना है उसका वक्त है दोपहर 1 बजे का। जी बिल्कुल, किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए ये तमाम तर सख्त इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के और इसे यकीनी बनाने के लिए इस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है।